सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स घर ले जाने के आरोपी अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मंगलवार दोपहर मियामी कोर्ट में रूम में पेश हुए। करीब 45 मिनट चली सुनवाई के दौरान ट्रंप ने सभी आरोप को नकारते हुए खुद को बेकसूर बताया। उनके वकील ने ट्रंप पर लगे सभी 37 आरोपों को बेबुनियाद और झूठा बताया। कोर्ट रूम में सुनवाई के बाद ट्रंप बैटमिंस्टर गोल्फ क्लब पहुंचे। यहां उन्होंने अपने समर्थकों को संबोधित किया। ट्रंप ने कहा, आज अमेरिका के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब राष्ट्रपति ने अपनी ताकतों का इतना गलत इस्तेमाल किया। राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठे एक भ्रष्ट नेता ने झूठे आरोपों के आधार पर अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी को गिरफ्तार करवाया, जबकि वो खुद और कई पूर्व राष्ट्रपति इस मामले में दोषी है। ट्रंप ने कहा, मैंने सब कुछ सही किया, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझ पर क्रिमिनल चार्ज लगा दिए। मुझ पर जासूसी एक्ट के तहत आरोप तय किए गए। इस एक्ट का इस्तेमाल जासूसों और देशद्रोहियों के खिलाफ होता है, न कि किसी पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ। चार्जशीट में प्रेसिडेंशियल रिकॉर्ड एक्ट का जिक्र तक नहीं है, जो कि एक सिविल एक्ट है। पूर्व राष्ट्रपति होने के नाते मुझे कानूनी तौर पर पूरा हक है कि मैं ये फाइलें अपने साथ ले आऊं। इसके अलावा ट्रंप ने राष्ट्रपति जो बाइडन, बिल क्लिंटन और हिलेरी क्लिंटन पर भी ऐसे डॉक्यूमेंट साथ ले जाने का आरोप लगाया। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ।